प्राणधार सुंदर साहब से आज श्री प्राणनाथ बालिका गुरुकुल के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी राज्य की कृपा की छत्र छाया में यह गुरुकुल चलता रहा। कई बार आर्थिक और सामाजिक परेशानियों को भी झेलना पड़ा और इसके लिए कैलाश मन को धन्यवाद है कि उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ जैसे भी हो सका गुरुकुल का संचालन किया। किरण माता जी को भी धन्यवाद है कि उन्होंने पूरे परिश्रम से अपना अध्यापन कार्य प्रारंभ किए रखा। इसके साथ मैं हितेश भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी आर्थिक सहयोग पूरी तरह से दिया। गुरुकुल क्यों बनाना चाहिए, इसके लिए समाज को आत्ममंथन करने की जरूरत है। वैसे तो गुरुकुल शब्द हमें कहना पड़ता है और सुंदर साथ में गुरु शिष्य की परंपरा भले ही ना हो, लेकिन एक तरफ जहाँ एक शिक्षार्थी है और एक शिक्षक है तो उसको संसार की भाषा में गुरुकुल शब्द से ही कहना पड़ता है। शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षा के बिना मानव जीवन पशु के समान है। संसार में जो भी महापुरुष हुए हैं उनके व्यक्तित्व को निखारने में उनकी माता का योगदान रहा है। चाहे महाराजा छत्रसाल जी हों, राणा प्रताप हो, शिवाजी हो, चंद्रगुप्त हो, जो भी महापुरुष होगा अपनी माँ की छत्र छाया में ही पुष्पित होता है। एक श्रेष्ठ आचार्य उसको एक महान विद्वान बनाता है, महान राजा बनाता है। और जब हमारे सुंदर साथ की मातृशक्ति अनपढ़ रहेगी, वाणी से अनभिज्ञ रहेगी, तो समाज को कौन प्रकाशित करेगा। विगत 318 वर्षों से यही देखा जा रहा है कि मंदिरों की संख्या बढ़ती गई, स्वर्ण कलशों की संख्या बढ़ती गई और सबसे दुखद बात तो यह है कि एक एक बागे में 2.5 लाख रुपए तक खर्च किए जाए। यदि देखा जाए, हिसाब देखा जाए तो ऐसे भी मंदिर हैं जहाँ करोड़ों रुपए के केवल बागे वस्त्र हैं। आप सोचिए जिस समाज में केवल बागे वस्त्र पर तो करोड़ रुपए खर्च किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी तो हमारे सुंदर साथ हैं जिनके पास 50 रुपए नहीं होते एक छोटी सी किताब को खरीदने के लिए। कितने सुंदर साथ हैं जिनके पास तारतम की 6 चप्पैयाँ याद थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होता। जो समाज शिक्षा से रहित होता है वो समाज नष्ट हो जाता है। इससे शिक्षा आवश्यक है। आधे पेट भोजन करके भी मनुष्य को ज्ञान पाने के लिए प्रयास करना चाहिए। बड़े बड़े भवन बन जाएंगे, शिक्षा नहीं रहेगी, ज्ञान नहीं रहेगा, संस्कार नहीं रहेगा तो समाज नष्ट हो जाएगा। हमारे पास परमधाम का सबसे ऊँचा ज्ञान है, लेकिन हम संसार के सबसे पिछड़े संप्रदाय में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने उस ज्ञान को पुष्पित नहीं किया, चारों तरफ फैलाया नहीं। उस ज्ञान को मंदिरों की चार दीवारी में ढक करके रहे और इसके लिए हमारा नेतृत्व वर्ग कहीं ना कहीं पूरी तरह से दोषी है जिसने समाज में वाणी के ज्ञान को प्रसारित नहीं करने दिया। और सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो यह है कि 300 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद अभी भी आँखें खोलने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है। अभी भी वही विचारधारा चल रही है कि जितना संभव है करोड़ों के मंदिर बनाते जाओ, स्वर्ण कलशों की संख्या बढ़ाते जाओ, स्वर्ण सिंहासनों की संख्या बढ़ाते जाओ, लेकिन शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ना दो, न साहित्य की तरफ ध्यान दो। एक बात ध्यान में रखिए, जहाँ अक्षर अतीत का ज्ञान है वहाँ हृदय अर्श हो जाता है। जिसको परम धाम का ज्ञान मिल जाता है निश्चित रूप से वह हृदय केवल अक्षर अतीत की पुकार करेगा। और यदि परम धाम का अंकुर नहीं है तो भी 10 मिनट के लिए भी वो ध्यान करेगा तो केवल राज्य का ही तो करेगा और सृष्टि में इससे बड़ा पूर्ण कार्य कुछ नहीं होगा। जब सुंदर साथ की आधी जनसंख्या जो मातृशक्ति की वही अनपढ़ रहे तो क्या होगा। पूरे परिवार को कौन संस्कार देगा कि शिक्षा आवश्यक है, वाणी का ज्ञान आवश्यक है। मैं ये प्रयास करता हूँ कि आज जन जन के हृदय में तारतम वाणी की गूंज उठे, हर हृदय एक अक्षरातीत को पुकारे। आज हिंदू समाज से हम देवी देवताओं की पूजा में लगाए काल्पनिक पत्थरों से बने हुए उन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जिसका न वेद में उल्लेख है, न उपनिषद में, न दर्शन में, न गीता में। सच पूछा जाए तो आज का हिंदू अपने धर्म ग्रंथों के विपरीत आचरण कर रहा है। ऐसे समय में प्राणनाथ जी की वाणी की महती आवश्यकता है। यह वाणी जो जन जन के हृदय में परम धाम का ज्ञान भर दे, अक्षरातीत की शोभा को विराजमान कर दे, अध्यात्म के गुरु रहस्यों को उजागर कर दे। इसलिए जो इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुति देंगे
वीत भी धन हो गया, उत भी धन हो गया। मैं सभी बच्चों से आग्रह करूंगा कि वो पूर्ण मनयोग के साथ वाणी के चिंतन में लगे, तारतम ज्ञान ग्रहण करें और इसके सुगंधे को चारों तरफ फैलाएं। मैं ये भी आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी गुरुकुल नए गुरुकुल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो, क्योंकि आने वाले समय में संख्या भी बढ़ेगी और समझ सुंदर साथ इसमें तन मन धन के साथ अपना सहयोग करें। एक ऐसा कार्य जो आज तक नहीं हुआ था, कई कई पाठशालाएँ तो खुल गई, विद्यालय भी खुल गए, लेकिन बच्चियों की शिक्षा के लिए अब तक नहीं हुआ था, और ये कार्य जो हुआ है, मैं शुभकामना देता हूँ कैलाश भवन को कि उन्होंने बीड़ा उठाया। और सबके लिए मैं ये कहूँगा कि सब भी मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, राग द्वेष से परे रहें, आपस में किसी प्रकार के विवाद को पैदा न होने दें, क्योंकि संगठित रहेंगे तो हमारी शक्ति रहेगी। यदि आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे जरा जरा सी बात पर, तो क्या होगा, हमारा संगठन बिखर जाएगा। संगठन बिखरते ही एक महान लक्ष्य हमसे पीछा छूट जाएगा। इसलिए बहनों से विशेष निवेदन है कि अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें, राज्य का ध्यान करें, अवगुण काले गुण ग्रह हारे से हो जीत। हमें दूसरों के केवल गुणों को देखना है, अच्छाइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों से ध्यान हटा लेना। मैं आशा करता हूँ कि सभी बहनें मेरी बात को मानेंगी, आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहेंगी और केवल लक्ष्य पर ध्यान देंगी कि वाणी का ज्ञान ग्रहण करना है और उसको सारे संसार में फैलाना है।